नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग का यहाँ पर NTA नेट GRF UGC का जो है MCQ सेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो कि आपका पेपर वन का MCQ सेट प्रैक्टिस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये आपका एग्ज़ाम जो है फरवरी 2023 में जो होने वाला, उसी का हम लोग यहाँ पर देखते हुए प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इसमें आपका मिक्स क्वेश्चन होगा, और जो कि इसमें आपका 50 से प्लस क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेट नंबर 5। इससे पहले हमने सेट नंबर 4 तक कंप्लीट किया था, आज हमारा सेट नंबर 5 होगा। पहला क्वेश्चन है, हु इज क्रेडिटेड, तो हु इज क्रेडिटेड विथ क्वाइनिंग एंड पॉपुलराइजिंग द टर्म नेटिजन। तो वन का जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन है माइकल एफ हाउबेन। तो हु इज क्रेडिटेड विथ क्वाइनिंग एंड पॉपुलराइजिंग द टर्म नेटिजन, माइकल एफ हाउबेन। नेटिजन, तो नेटिजन सिटीजन ऑफ द नेट और नेट सिटीजन। इट डिस्क्राइब्स ए पर्सन एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑनलाइन कम्युनिटीज और द इंटरनेट इन जनरल। द मीनिंग ऑफ नेटिजन इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ द इंटरनेट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज द फाउंडर ऑफ C++। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जार्नी स्ट्रॉस्ट्रप। ठीक है, इज द फाउंडर ऑफ C++ लैंग्वेज। ठीक है, तो जार्नी स्ट्रॉस्ट्रप इज ए डेनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट, मोस्ट नोटेबल फॉर द इन्वेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एट बेल लैब्स, नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेशन काउंसिल नैक इज एन ऑटोनोमस बॉडी फंडेड बाई द, ऑप्शन नंबर UGC। ठीक है, तो नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेशन काउंसिल नैक इज ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज इन इंडिया डैट एक्सेस एंड एक्रीडेट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी फंडेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड हेड क्वार्टर्ड इन बेंगलोर। नैक वॉज स्टैब्लिश इन 1994। ठीक है, और द नैक ग्रेट लिस्ट, द नैक ग्रेट इंस्टीट्यूट ऑन एंड 8 ग्रेड लेटर। तो आपका जो है 8 ग्रेड लेटर है इसमें आपका नैक का। तो सबसे पहला आपका A++ है, A+ है, B++ है। ठीक है, इसमें B+ है, उसमें B है, C है, D है। ठीक है, तो ये आपका टोटल 8 ग्रेड लेटर है नैक का। ठीक है, एज ऑफ दिसंबर 2021, 655 यूनिवर्सिटीज एंड 13,316 कॉलेजेस वेयर एग्रीडेटेड बाई द नैक। ठीक है, तो नैक के द्वारा इसे एग्रीडेट किया गया था। एंड नेक्स्ट आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्क द करेक्ट क्रोनोलॉजी, सही कालक्रम को चिन्हित करें। तो आपका इसमें सही कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर NCERT। इसके बाद आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, उसके बाद आपका इग्नू, उसके बाद आपका आ जाए चौथा नंबर, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो ये आपका स्थापना का जो है सबसे सबसे पहले कौन, उसके बाद सबसे बाद कौन है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है इसमें पढ़ते हैं, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो जो आपका करेक्ट आंसर है, देखिए, तो NCERT की स्थापना एस्टैब्लिशमेंट 1961 में हुई थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की स्थापना 1964 में, इग्नू की स्थापना 1985 में, और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की स्थापना 1995 में हुआ था। ठीक है, NCERT, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वॉज स्टैब्लिश इन 1961। इट्स हेड क्वार्टर आर लोकेटेड एट श्री अरबिंदो मार्ग इन न्यू दिल्ली। आशीष पचौरी इज डायरेक्टर ऑफ द काउंसिल सिंस 2022। ठीक है, फाउंडर आपके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, प्रेसिडेंट धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी IIAS इज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट बेस्ड इन शिमला।
इंडिया, इट वॉज सेटअप बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1964 एंड स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 23 अक्टूबर 1965। ठीक है, इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नोन एज इग्नू इज ए सेंट्रल ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी लोकेटेड एट मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली इंडिया, नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। द यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश इन 1985 विथ ए बजट ऑफ $20 बिलियन 20 बिलियन आफ्टर द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास्ट द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट 1985। इग्नू एक्ट 1985। इग्नू इज रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विथ टोटल एक्टिव इनरोलमेंट ऑफ ओवर 3 मिलियन स्टूडेंट क्लेम्स टू बी द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, चांसलर तो वाइस चांसलर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपके इग्नू के चांसलर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इग्नू इज ऑल्सो रिकोगनाइज एज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया UGC। इग्नू इज एग्रीडेटेड बाई द नैक विद द हाइस्ट रेट ऑफ A++। ठीक है, एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सेटअप अंडर द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 इन 1995। दिस काउंसिल फंक्शंस फॉर द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स विथ रिगार्ड टू द टीचर एजुकेशन एंड इट्स सेक्रेटरिएट इज लोकेटेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT। ठीक है, फॉर्मेशन आपका 1995 में, हेड क्वार्टर दिल्ली आपका NCERT का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, टीवी चैनल लॉन्च्ड फॉर कवरिंग ओनली इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट इज नोन एज, तो इसका ऑप्शन में भी एकलव्य आपका सही है। ठीक है, तो एकलव्य आपका राइट आंसर है। एकलव्य टेक्नोलॉजी चैनल इज ए डिस्टेंट लर्निंग ज्वाइंट इनिशिएटिव बिटवीन IIT एंड इग्नू इनोग्रेटेड बाय प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी ऑन 26 जनवरी 2003। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ दिस चैनल इज नॉट रन बाय द इग्नू, तो ऑप्शन नंबर डी ज्ञान केंद्रा इज नॉट रन बाय इग्नू, ज्ञान दर्शन एकलव्य एंड व्यास इज रन बाय इग्नू। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IoT, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द फुल फॉर्म ऑफ IoT। क्वेश्चन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स और IoT रेफर टू द बिलियंस ऑफ फिजिकल डिवाइसेस अराउंड द वर्ल्ड डैट आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑल कनेक्टिंग एंड शेयरिंग डाटा। एग्जाम्पल ए लाइट बल्ब डैट कैन बी स्विच्ड ऑन यूजिंग ए स्मार्टफोन ऐप इन एंड IoT डिवाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बंगाल गजट, तो बंगाल गजट वॉज द फर्स्ट न्यूज पेपर प्रिंटेड इन एशिया फाउंडेड बाई, तो बंगाल गजट वॉज द फर्स्ट न्यूज पेपर प्रिंटेड इन एशिया फाउंडेड बाई, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जेम्स अगस्त हिकी। ठीक है, हिकी बंगाल गजट वॉज द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज पेपर पब्लिश ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इट वॉज फाउंडेड इन द कलकत्ता कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम ऑफ टाइम बाई इट इज जेम्स अगस्त हिकी इन 1779। फैथोमीटर इज यूज टू मेजर, तो फैथोमीटर इज यूज टू मेजर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ओशियन डेप्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है, सॉरी आगे पढ़ते हैं, द फैक्टोमीटर इज एन इको साउंडिंग सिस्टम फॉर मेजरमेंट ऑफ वाटर डेप्थ, फैक्टोमीटर अंडर वाटर डिवाइस यूज्ड ऑन शिप्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर इन ए नॉर्मल ह्यूमन बींग, तो इन ए नॉर्मल ह्यूमन बींग हाउ मच टाइम डज फूड टेक टू रीच द इन ऑफ द इंटेस्टाइन फॉर कंप्लीट अब्जॉर्प्शन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 12 आवर्स। ठीक है, कुछ आपका नेक्स्ट है, WWW स्टैंड फॉर, तो WWW स्टैंड फॉर ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्च इंजन फॉर द वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब, इट वॉज डेवलप्ड इन सेप्टेम्बर 1993 बाई ओलिवर मैकब्रायन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो एज ए रिसर्च प्रोजेक्ट। ट्रांजिस्टर आर एसोसिएटेड विद, तो ट्रांजिस्टर्स
आर एसोसिएटेड विद ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन, ठीक है, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। क्वेश्चन फाइव आपका, ए ग्रुप ऑफ पीपल हैज एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट वाइल अनदर ग्रुप डज नॉट हैव एक्सेस, द डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप इज नोन एज द ऑप्शन नंबर डी डिजिटल डिवाइड, ठीक है, इसे डिजिटल डिवाइड कहते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है सिक्स नंबर, द अवार्ड गिवन बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR फॉर इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन एनी फील्ड ऑफ साइंस इज कॉल्ड द, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ए आर भटनागर अवार्ड। कुछ आपका आगे है, पढ़ते इसका एक्सप्लेनेशन, द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज वॉज नेम्ड आफ्टर द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR एंड इज द कंट्रीज हाइस्ट साइंस अवार्ड विद इन द कंट्री, एवरी ईयर साइंटिस्ट अंडर द एज ऑफ 45 आर चूजन फॉर द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन अक्रॉस फील्ड इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, अर्थ एटमोसफेयर, ओशन एंड प्लेनेटरी साइंसेज, ठीक है। सेवन क्वेश्चन नंबर आपका, हु सजेस्टेड डैट द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू डेवलप वैल्यूज लाइक फियरलेसनेस ऑफ माइंड, स्ट्रेंथ ऑफ मॉरल सेंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ पर्पसेज, तो किसने सजेस्ट किया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1948 1949, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर राधा कृष्णन इन नवंबर 1948, इट इज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया, द कमीशन मेड ए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हायर एजुकेशन एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अगस्त 1949, देयर वॉज ए टोटल ऑफ 10 मेंबर्स अपॉइंटेड अंडर दिस कमीशन। कुछ आपका एट है, हु फाउट द इंग्लिश लैंग्वेज एंड ब्रिटिश एजुकेशन टू इंडिया, तो हु फाउट द इंग्लिश लैंग्वेज एंड ब्रिटिश एजुकेशन टू इंडिया, तो ऑप्शन नंबर डी थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ठीक है, थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ठीक है। तो ही वेंट टू इंडिया 1834 एंड सर्व ऑन द सुप्रीम काउंसिल ऑफ इंडिया बिटवीन 1834 एंड 1838, वी मस्ट टीच देम सम फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। नाइन है, विच गैस इज मेनली, तो विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो आपका कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। टेन है, वेन एंड वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल, तो टेन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता 1935, इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर वॉज इंस्टॉल्ड इन 1955 इन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI कलकत्ता, नाउ कॉल्ड कोलकाता, ठीक है। तो कंप्यूटर मेड बाई इंडियन, द परम इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाई इंडियन साइंटिस्ट, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर असेंबल्ड इंडिजिनली कॉल्ड परम सिवाय वॉज इंस्टॉल्ड इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU बनारसी, ठीक है, बनारस, ठीक है। अबाउट परम, तो विजय पांडुरंग भट फाटकर इज द मेन बिहाइंड परम एंड ही डेवलप्ड द फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर द परम 8000 इन 1991, लेटर द परम 10000 वॉज डेवलप्ड इन 1998, ही बिल्ड द नेशनल परम सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज इन PSF बेस्ड ऑन द परम सीरीज, ठीक है। अबाउट परम, नोन फॉर आर्किटेक्ट ऑफ परम सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड फॉर द मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन इन स्कूल, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्री प्रकाश कमेटी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर द मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन स्कूल, तो श्री प्रकाश कमेटी, ठीक है। द कमेटी ऑन रिलीजियस एंड मॉरल इंस्ट्रक्शन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री
श्री प्रकाश जी हेल्ड टू मीटिंग्स ऑन 17-18 नवंबर एंड 20-21 दिसंबर 1959 एट राजभवन बॉम्बे। ठीक है, क्वेश्चन टू आपका है बोल्ट स्टैंड फॉर, तो बोल्ट किससे स्टैंड होता है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन डी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो बोल्ट स्टैंड फॉर वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक है, द मिनिमम स्कोर ऑफ सी जी पी ए क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज एग्रीगेट स्कोर क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन ईच क्राइटेरियन फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू ऑपरेट नेक ग्रेडेशन इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1.51। ठीक है, कुछ आपका मिनिमम जो है स्कोर है सी जी पी ए का ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ नेक, तो ग्रेड क्वालिफायर इज केप्ट फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑन क्वालिफाइंग फॉर वैलिड एग्रीडेशन इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर एनी ग्रेड सी टू ए प्लस प्लस इंस्टीट्यूशन नीड्स टू स्कोर एटलीस्ट 1.5 सी जी पी ए एग्रीगेटेड स्कोर क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन ईच क्राइटेरियन। ठीक है, ग्रेड सिस्टम ऑफ नेक, तो ऑन द बेसिस ऑफ द सी जी पी ए ऑब्टेंड बाई द इंस्टीट्यूशन इन मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर फॉर द फाइनल ग्रेड इज असाइंड ऑन ए 7 पॉइंट स्केल। द 7 पॉइंट स्केल रेफर्स टू द 7 लेटर ग्रेड्स ईच अलाइन टू द 7 स्पेसिफिक स्कोर रेंज। ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ नेक, तो इंस्टीट्यूशन विच सिक्योर ए सी जी पी ए इक्वल टू और लेस देन 1.50 आर नोशनली कैटेगराइज अंडर द लेटर ग्रेड डी सच अनक्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन विल ऑल्सो बी इंटीमेटेड इंटीमेटेड एंड नोटिस नोटिफाइड बाई नेक एज असेस्ड एंड फाउंड नॉट क्वालिफाइड फॉर द एग्रीडेशन। ठीक है, और ये आपका रेंज ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज सी जी पी ए। ठीक है, और आपका लेटर ग्रेड है, और आपका स्टेटस क्या होगा एग्रीडेटेड एक्रीडिटेड या फिर नॉट एक्रीडिटेड। ठीक है, तो ये आपका, तो 3.51 से 4 आपका ए प्लस प्लस, 3.26 से 3.50 ए प्लस, 3.01 से 0.25 ए, 2.76 से 3.00 पी प्लस प्लस, 2.51 से 2.75 पी प्लस, 2.01 से 2.50 पी, 1.51 से लेकर 2 आपका सी, और लेस देन 1.50 डी हो जाएगा। ठीक है, आपका डी जो है नॉन एग्रीडेटेड में आएगा। ठीक है, एग्रीडेटेड यूनिवर्सिटीज टॉप रैंक्ड बाय नेक, तो यूनिवर्सिटीज है रेंज ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज एवरेज सी जी पी ए एंड लेटर ग्रेड, तो एग्रीडेशन वैलिड अप टू, तो अमृता विश्व विद्यापीठ तमिलनाडु 3.89 ए प्लस प्लस, एग्रीडेशन वैलिड अप टू 18 फरवरी 2023, लक्ष्मी बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश 3.70 ए प्लस प्लस, 27 मार्च 2022 में से मिला था। ठीक है, और आपका जो है गवर्नमेंट महिंद्रा कॉलेज पंजाब 3.86 ए प्लस प्लस, और इसका एग्रीडिएशन वैलिड अप टू 18 फरवरी 2021। बी एम एस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कर्नाटका, इसका जो है 3.83 और ए प्लस प्लस इसको मिला है ग्रेटर ग्रेड, और 27 मार्च 2024 तक इसका वैल्यू एग्रीडेशन का है। ठीक है, एक मिनट, नेक, द नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिएशन काउंसिल नेक इज ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया डेट एसेसेस एंड क्रेडिट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एच ई आई एस एंड इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी फंडेड बाई द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यू जी सी एंड हेड क्वार्टर इन बेंगलोर फॉर्म्ड इन 1994। ठीक है, मोटो क्या है नेक का, तो एक्सेलेंस क्रेडिबिलिटी एंड रेलिवेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है एन आई आर एफ स्टैंड फॉर, तो आपका जो एन आर आई एफ किस लिए स्टैंड होता है? तो 4 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एन आई आर एफ का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एन आई आर एफ इज मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रैंक इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। द फ्रेमवर्क वॉज अप्रूव्ड बाई द MHRD एंड लॉन्च बाई मिनिस्टर ऑफ
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑन 29 सितंबर 2015 डिपेंडिंग ऑन देयर एरियाज ऑफ ऑपरेशन इंस्टीट्यूशन हैव बिन रैंक्ड, ठीक है, अंडर 11 डिफरेंट कैटेगरीज ओवरऑल यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी लॉ मेडिकल आर्किटेक्चर डेंटल एंड आपका जो है रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है डैश मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो डैश मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन रेफर्स टू द कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर बोथ द सेंडर एंड रिसीवर आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेसेस एंड टेक टर्न्स टू कम्युनिकेट मैसेज। तो 5 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है ट्रांजेक्शनल मॉडल। तो ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन रेफर्स टू द कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर बोथ द सेंडर एंड रिसीवर आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एंड टेक टर्न्स टू कम्युनिकेट मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पाइथन इज एन डैश। तो पाइथन आपका क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन इज एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। पाइथन इज ए हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइंड बाय क्यूडो वैन रोसम, ठीक है, फॉर रिसर्च इन पॉलिसी रेलिवेंट एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरेस्टेड विद द इनिशिएटिव इम्प्रेस। तो इम्प्रेस का जो है क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आई सी एस एस आर इंडियन काउंसिल ऑफ जो है या फिर इम्प्रेस जो आप इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ठीक है, MHRD। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड ए न्यू स्कीम नोन एज इम्प्रेस इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। इम्प्रेस एम्स टू प्रमोट रिसर्च इन सोशल साइंस। द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR हैज बीन असाइंड विद द टास्क ऑफ मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम इम्प्रेस, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR इज द नेशनल बॉडी ओवरसीइंग रिसर्च इन द सोशल साइंस इन इंडिया। इट वॉज एस्टैब्लिश इन न्यू दिल्ली 1969, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू सपोर्ट इनोवेटिव रिसर्चर प्रोजेक्ट दैट आर सोशली रेलिवेंट लोकली नीड बेस्ड, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू सपोर्ट इनोवेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट दैट आर सोशली रेलिवेंट लोकली नीड बेस्ड नेशनली इंपॉर्टेंट एंड ग्लोबली सिग्निफिकेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रॉइड, ठीक है। तो एस्ट्रॉइड का मतलब होता है स्टैंड फॉर, तो एस्ट्रॉइड स्टैंड फॉर स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। और स्पार्क स्टैंड फॉर द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलेबरेशन। इम्प्रेस स्टैंड फॉर इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस एंड स्टार्स स्टैंड फॉर स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंसेज, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग कीज ऑफ कीबोर्ड आर कॉल्ड मॉडिफायर की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4 कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड मॉडिफायर की, ठीक है। तो ऑन एन IBM कंपैटिबल कंप्यूटर मॉडिफायर कीज इंक्लूड अल्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड द विंडोज की, ठीक है। ऑन द एप्पल मैकिंटॉश कंप्यूटर द कंट्रोल ऑप्शन कमांड एंड शिफ्ट कीज आर मॉडिफायर कीज। एडिशनली मोस्ट लैपटॉप्स एंड सम डेस्कटॉप कीबोर्ड्स कंटेन एन FN मॉडिफायर की, ठीक है। फोर कीज, तो फोर कीज ऑन योर कीबोर्ड आर मॉडिफायर कीज। ए मॉडिफायर की वर्क इन कॉम्बिनेशन विथ अदर कीज टू डू वेरियस इंटरेस्टिंग एंड अनबिलीवेबल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, ठीक है। टूडेज ट्रेडिशनल PC कीबोर्ड्स हैव 12 फंक्शन की F1 थ्रू F12 एंड सम स्पेशलाइज्ड PC कीबोर्ड्स हैव 24 फंक्शन की F1 थ्रू
F24, ठीक है। मैनी एप्पल डेस्कटॉप कंप्यूटर कीबोर्ड विथ ए नंबर पैड हब 19 फंक्शन कीज F1 through F19, ठीक है। क्वेश्चन आपका 5 है, ई कॉमर्स इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल विच आर फॉलोड इन इंडिया, डिस्कस्ड बिलो आर द सेम, बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी, द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर, रिटेलर्स एंड होलसेलर्स इज कॉल्ड बी टू बी मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। सैमसंग फॉर एग्जाम्पल इज वन ऑफ द एप्पल्स लार्जेस्ट सप्लायर इन द प्रोडक्शन ऑफ द आईफोन। एप्पल ऑल्सो होल्ड बी टू बी रिलेशनशिप विथ फर्म्स लाइक इंटेल एंड पैनासोनिक। बी टू बी ट्रांजेक्शन आर ऑल्सो द बैकबोन ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। देर आर बिजनेस टू कंज्यूमर, द बिजनेस टू कंज्यूमर बी टू सी, दिस इज द जनरली यूज ऑनलाइन पोर्टल वेयर द ई कॉमर्स कंपनी सेल्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। अमेजोन ऑन प्रोडक्ट, अमेजन प्राइम एंड अमेजन ओरिजिनल, अमेजन फंडेड मीडिया आर ऑल ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ द बी टू सी नेचर्स, ठीक है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर सी टू सी, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द दिस इज ओ एल एक्स, वे कंज्यूमर्स कैन अपलोड देयर ओल्ड प्रोडक्ट एंड रिसेल देयर डायरेक्टली टू द बायर, देयर इज नो इंटरफेरेंस टू द मैन्युफैक्चरर्स और द रिटेलर्स, ठीक है। कंज्यूमर टू बिजनेस, वेन ए पर्सन डिजाइन टू और क्रिएट समथिंग न्यू, दे कैन सेल इट टू द ई कॉमर्स कंपनी फॉर फर्दर सेल्स, दिस इज कॉल्ड द कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। ए फूड ब्लॉगर हु शेयर्स ए एफिलिएट लिंक टू ए किचन कंपनीज कुकिंग प्रोडक्ट्स ऑन देयर ब्लॉग। ए टेक ब्लॉगर हु डिस्प्लेस ए कंपनी सर्विस ऐड टू देयर ऑडियंस इन एक्सचेंज फॉर द कट ऑफ द रेवन्यू, ठीक है। पब्लिशिंग, तो पब्लिशिंग रियल न्यूज आफ्टर कंपेयरिंग इट विद द फेक न्यूज टू मेंटेन ए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन वैल्यू इज नोन एज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेट कीपिंग, ठीक है। कुछ आपका 7 नंबर है, द इंक्रीज ऑफ कॉन्टामिनेटेड सब्सटेंसेस और द इंक्रीज ऑफ कॉन्टामिनेटेड सब्सटेंसेस और टॉक्सिक केमिकल्स इन द फूड चेन इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी बायो मैग्निफिकेशन। फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन आर, तो फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन गेट फोकस इन विच लेवल ऑफ टीचिंग, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी लेवल। क्वेश्चन आपका 9 है, 3 लेवल ऑफ टीचिंग आर, मेमोरी लेवल, थॉटलेस टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल, थॉटफुल टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल, अपर थॉटफुल टीचिंग, ठीक है। वो आज के लिए बस नहीं, कल हम आपका नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।